आगे स्टार्ट हो चुकी है, तो हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बच्चों कभी भी क्लास जब स्टार्ट करते हैं तो वहां पे आप डेट जरूर डाल लिया करिए, वरना आपको बहुत कंफ्यूजन होगा कुछ दिनों बाद कि कौन सी डेट का कौन सा लेक्चर है। तो आप जरूर डेट जरूर डाला करिए, अपने बैच का नाम और डेट। तो डेट बच्चों आज 10 तारीख है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले बच्चों अब हम लोग यहाँ पर जो वो पढ़ने जा रहे हैं वो रिलेशन और फंक्शन का कंटिन्यूएशन। ठीक है बच्चों? तो बच्चों जैसे अब यहाँ पर हम आपको बहुत सीधे सीधे क्वेश्चंस बताते हैं, उसके बाद धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस टफ कर दूंगा, और वो जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं ना मॉड से रिलेटेड डाउट, तो वो मॉड से रिलेटेड डाउट आपके भी उसमें क्लियर होते चले जाएंगे। तो बच्चों जैसे आपके पास मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज डोमेन। आपने कभी डोमेन का नाम तो सुना ही होगा पहले। डोमेन का मतलब होता है कि सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। डोमेन का मतलब बच्चों होता है सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। जैसे बच्चों मैंने आपके सामने एक फंक्शन लिखा है ए से बी। क्या लिखा है मैंने बच्चों? बच्चों हमने एक फंक्शन लिखा है ए से बी। तो बच्चों ए क्या होता है? ए में होती है सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। और बेटा जब सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स किसमें पड़ती है? एफ में पड़ती है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, ए में क्या होता है? सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स होता है। जब बच्चों वो वैल्यूज एफ में पड़ती हैं तो जो भी वैल्यू आती है वो वैल्यू होती है बी में। वो वैल्यू किसमें मौजूद होती है? बी में। तो बच्चों ये बात तो आपको क्लियर होना चाहिए, अगर कोई फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया गया है एफ ए टू बी, इसको बोलते हैं फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, तो बेटा ए क्या होती है? इस फंक्शन की डोमेन होती है। बी क्या होती है? इस फंक्शन की रेंज होती है। अगर आप इसको क्लियर कट और समझना चाहें तो मैं आपके लिए और भी कुछ बातें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे बच्चों मैंने आपके सामने इस तरह से एक मैंने ए बना दिया है, और बच्चों मैंने आपके जस्ट बगल में एक बी बना दिया। ठीक है बच्चों? तो अब मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लो आपका कोई फंक्शन है, उसमें आपने -1 डाला तो 1 आ गया, 1 डाला तो भी 1 आ गया, 2 डाला तो 4 आ गया, -2 डाला तो भी 4 आ गया। तो इसका मतलब आपका जो फंक्शन है वो हर एक्स पे डिफाइंड है, क्योंकि -1 डाल लें तो उसकी इमेज 1 आ रही है, 1 डाल लें तो उसकी इमेज 1 आ रही है, 2 डाल लें तो उसकी इमेज 4 आ रही है, -2 डाल लें तो भी उसकी इमेज 4 आ रही है। मैंने 4 4 बच्चों 2 बार लिख दिया है, वो 4 एक ही बार है। अगर आप उसको एक बार दिखाना चाहें तो आप उसको एक बार दिखा सकते हैं, ये बस मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 बार लिख दिया था। तो बच्चों ये देखिए -2 पे भी फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 पे भी फंक्शन की वैल्यू 4 आ रही है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि इस फंक्शन की जो डोमेन है उस डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। डोमेन तो तुम कहोगे सर डोमेन जो है वो ए है और उसमें एलिमेंट्स हैं -1, -2, 1 और 2, ये सर एलिमेंट्स हैं। और सर इस फंक्शन की जो रेंज है उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स वी ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ वाई। वाई मतलब फंक्शन। फंक्शन क्या होता है आपका? वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। तो बच्चों क्या वैल्यूज आ रही हैं? 1 और 4 आ रही है। तो बच्चों ये एक फंक्शन डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि हर एक्स पर उसकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर आ रही है। तो बच्चों ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि डोमेन पहली बात क्या होती है। डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन विच फंक्शन इज डिफाइंड। अब डिफाइंड का क्या मतलब है वो धीरे धीरे आप क्वेश्चंस में समझते चले जाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख तो लीजिए कि डोमेन क्या है। डोमेन होता है सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। डोमेन होता है सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो हम यहां लिख देते हैं सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन विच फंक्शन इज डिफाइंड। ऑन विच फंक्शन इज डिफाइंड, बेटा उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन। अब बच्चों हम लोग आगे लिखते हैं रेंज। क्या लिखते हैं? रेंज लिखते हैं। रेंज का मतलब क्या होता है बच्चों? रेंज का मतलब होता है ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स वी ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ वाई विच इज नोन एज रेंज ऑफ फंक्शन।
ठीक है ना बच्चों, जब हम x की वैल्यू अपने फंक्शन में पुट करते हैं तो जो भी वैल्यूज y की आती है उसे हम क्या कहते हैं कि वो फंक्शन की क्या है, रेंज है। क्या है? रेंज है। तो हम यहाँ पे बेटा एकदम साधारण भाषा में लिखते हैं क्योंकि बुक्स में काफी टफ लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, तो हम अभी डायरेक्टली लिख देते हैं, ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज ऑफ x वी ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ y, वैल्यूज ऑफ y which is called range of function, which is called range of function. इसे हम function की क्या कहते हैं? Range कहते हैं। तो अगर आप ये lecture यहाँ से, कोई भी बच्चा, अगर किसी ने भी नया भी join किया होगा, मैंने देखा नहीं, शायद दो बच्चों ने नया join किया है, अगर कोई भी बच्चा अगर नया join करेगा तो उसको यहाँ से पूरी class clear होगी, लेकिन क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे आप लोग को सिखा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हो गया डोमेन और यहाँ पे हो गया रेंज। अब बच्चों यहाँ पर आगे देखिएगा मैं कैसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे बच्चों मैंने कहा भी, जैसे हम लोग ने ऊपर वाले के एग्जांपल लिया था, यहाँ पे फंक्शन क्या होगा? आप कहोगे सर फंक्शन यहाँ पर हो सकता है एक्स स्क्वायर, क्योंकि आप पुट करके चेक कर लो, क्योंकि माइनस वन का भी स्क्वायर क्या होगा? वन होगा, वन का स्क्वायर भी वन होगा, ठीक है ना। सिमिलरली टू और माइनस टू का स्क्वायर फोर होगा। अब बच्चों अब मैं आपसे पूछता हूं कि अब मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, सबसे पहले बताइएगा आप क्या वो फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं है। जैसे मैंने आपके सामने दो तरह के बॉक्स बनाए हैं, देखिए बच्चों दो तरह के बॉक्स मैं बना रहा हूं, ये आपका है एफ ए टू बी, तो बच्चों ये आपका पहला वाला बॉक्स है ए, दूसरा वाला बॉक्स है बी, और फंक्शन डिफाइंड है ए से बी। कैसे डिफाइंड है? ए से बी। ए क्या है? डोमेन, और बी क्या है? रेंज। तो बच्चों देखो मैंने अब एक यहाँ पर फंक्शन आपको डिफाइन करके मैं दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैंने रैंडम वैल्यू लिख दी 1 2 3 4 और यहाँ पे मैंने लिख दी 5 और 6, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब हमने अपने फंक्शन में x की जगह 1 डाला तो वैल्यू 5 आ गई, x की जगह 2 डाला वैल्यू 6 आ गई, ठीक है बच्चों, और 3 x की जगह 3 डाला तो वैल्यू 7 आ गई। तो मैं बच्चों को पूछ रहा है क्या ये फंक्शन है? सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैंने बस इतना ही इंटरप्रेट किया है कि जब हम फंक्शन में, फंक्शन आपका क्या है? y is equal to fx। तो बच्चों जब हम फंक्शन में x की जगह 1 डाल लें तो 5 आ रहा है, 2 डाल लें तो 6 आ रहा है, 3 डाल लें तो 7 आ रहा है, 4 डाल लें तो उसकी कोई इमेज नहीं है 4 डालने पर। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये फंक्शन है कि नहीं है? तो आप क्या कहेंगे? आप कहोगे कि सर ये फंक्शन नहीं है, अगर ये फंक्शन होता तो इसकी x इक्वल टू 4 पे भी कोई ना कोई जरूर वैल्यू होती, चाहे वो 5 6 7 तीनों में से कुछ ना कुछ जरूर होती या कोई भी वैल्यू होती, लेकिन 4 पे सर उसकी जरूर कोई ना कोई वैल्यू जरूर होती, क्योंकि यहाँ पर a जो है सर फंक्शन की डोमेन है, और अगर फंक्शन की डोमेन लिखी जाती है तो उसमें जितने भी x कंटेन होते हैं उन सर उन सारे x पर फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू जरूर देता है। लेकिन सर यहाँ पे जो आपने a टू b में, a में डोमेन में एलिमेंट्स लिखे हैं उसमें सर 4 की कोई भी इमेज नहीं आ रही है, 4 की कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, इसका मतलब सर ये फंक्शन नहीं है बिकॉज 4 की कोई भी इमेज नहीं। तो आप क्या लिखेंगे? इट इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट फंक्शन। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या a क्रॉस b एक रिलेशन है, तो आप कहोगे यस सर्टेन, a क्रॉस b तो रिलेशन होएगा ही। क्या होगा? 1.5 1.6 1.7 2.5 2.6 2.7, हाँ a टू b रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि रिलेशन अलग होता है फंक्शन अलग होता है, ठीक है ना। तो ये फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि 4 पर वैल्यू, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, वो अपनी डोमेन में किसी x पर अनडिफाइंड हो गया। ओके बच्चों अब हम आपको नेक्स्ट बताते हैं, हम बहुत ही आसान भाषा में बता रहे हैं, अगर आप उसको समझेंगे तो आपसे जरूर निकल आएगा। बच्चों अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पास कोई फंक्शन दिया है 1/x+2, हमने कहा इस फंक्शन की डोमेन बताइए, मतलब आपके पास एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन लिखा होगा, मैं लिख देता हूं, आपके पास लिखा होगा फाइंड द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन,
आपसे पूछा जाएगा फाइंड द डोमेन ऑफ रियल वैल्यू फंक्शन, आपको उस फंक्शन की क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है। कैसे निकालेंगे आप, आपको उस फंक्शन की डोमेन निकालनी है कैसे, कौन बच्चा बताएगा इस फंक्शन की क्या डोमेन होगी, कोई बता सकता है? अब आपको डोमेन खुद से निकालनी है, डोमेन का मतलब ये कौन कौन से एक्स पे डिफाइंड होगा और कौन कौन से एक्स पे डिफाइंड नहीं होगा, ये अब आपको बताना है। अब आपको डोमेन गिवन नहीं है, अब आपको चेक करके बताना है कि इसकी डोमेन क्या होगी। तो मानसी ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है कि सर इसकी डोमेन अगर आप इसमें जितने भी एक्स आप सर इसमें डालते रहिए, देखिए सर इसमें सर जितने भी आप एक्स डालते रहिए हर एक्स पर कोई ना कोई वैल्यू देता रहेगा, लेकिन सर आपने इनइक्वालिटीज में भी बताया था कि फंक्शन कभी अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे डिनोमिनेटर कब जीरो हो सकता है, माइनस टू पे, क्योंकि माइनस टू हम डालेंगे तो माइनस टू प्लस टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो एनी रियल नंबर अपॉन डिनोमिनेटर अगर जीरो है तो फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाता है। तो बच्चों आप कहोगे कि सर इसकी जो डोमेन होगी वो होगी सर सारे रियल नंबर एक्सेप्ट एक एलिमेंट छोड़ करके, वो क्या है, टू। और आप तो एकदम स्मार्ट हैं, आप तो आंसर वैसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी से टू यूनियन टू से इंफिनिटी, आप तो इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको इनइक्वालिटीज का पूरा अंदाजा है किस तरह से लिखी जाती है। ओके, तो सभी बच्चों को ये बात क्लियर है कि किस तरह से फंक्शन की डोमेन निकाली जाती है। तो बच्चों ये अभी मैंने आपके सामने पहला क्वेश्चन किया, मैं आपके सामने दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं होगा कि माइनस टू होगा, माइनस टू, माइनस टू, अच्छा माइनस मैंने लिखा नहीं है क्या अभी तक, ओके ओके मैं माइनस लिख देता हूं। तो ओके यहाँ क्वेश्चन में ही चेंज कर लेते हैं, उसको लिखे रहने दो, क्वेश्चन को चेंज कर लो, इसको यहाँ पे लिखे रहने दो, ठीक है, यहाँ पे चेंज कर दो, इसको लिख दो x माइनस टू, ठीक, ओके, तो आपका आंसर आ गया। तो बच्चों आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा, सबसे पहले हम देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि इस क्वेश्चन की जो है क्या होगी डोमेन, इस क्वेश्चन की डोमेन आपको बतानी है क्या आएगी डोमेन। तो आप कहेंगे कि सर ये हर एक्स पर कोई ना कोई वैल्यू देगा, लेकिन एक्सेप्ट वो वाले एक्स हम रिमूव कर देंगे जहां पे डिनोमिनेटर जीरो होगा। तो देवांश डिनोमिनेटर के बेटा क्या फैक्टर आए हैं, डिनोमिनेटर में सर एक्स की वैल्यू अगर वन डालेंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और फोर डालेंगे तो जीरो हो जाएगा, गुड। तो उसके बेटा डिनोमिनेटर के फैक्टर आए होंगे एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर, ठीक है। और अगर किसी को फैक्टराइजेशन नहीं आता है करने तो यहाँ बगल में कर देता है, तो इसके फैक्टर होंगे फोर वन या फोर। तो फैक्टर तो आप कर ही लेंगे, चलिए इसको आप हटा दीजिए। तो यहाँ पे सबको क्लियर हो गया होगा, यहां तक सबको बातें यहां तक क्लियर है। तो हम लोग को करना क्या होता है कि हम लोग हर बार एक काम क्या करेंगे, हर बार चेक कर लेंगे कि डिनोमिनेटर किस एक्स पे जीरो है, जिस एक्स पे डिनोमिनेटर जीरो होगा उस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और रिमूव करने पर आपका डोमेन एज इट इज निकल आएगी। तो बच्चों अब ये तो डोमेन के बहुत ही इजी वर्जन क्वेश्चन हो गए जो एग्जाम में आते ही नहीं है। अब बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं तभी हम लोग को समझ में आएगा और क्वेश्चंस कैसे होंगे, ठीक है बच्चों। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन आपको अभी भी डोमेन निकालनी है, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू, ठीक है बच्चों, ठीक, बताइए बच्चों इसकी डोमेन क्या होगी, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू। तो बच्चों आप लोग को क्लास पहले भी बताया गया कि अंडर रूट के अंदर कभी भी कोई नेगेटिव नंबर नहीं होता है, अंडर रूट के अंदर या तो जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा नंबर होगा। तो बच्चों उसकी डोमेन निकालने के लिए क्या कंडीशन रखेंगे
कि जो अंडर रूट के अंदर नंबर है वो जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है। बस बच्चों इस x पे ही वैल्यू फंक्शन ऑफ डिफाइंड हो जाएगा, यानी x बिलोंग टू क्या हो जाएगा बच्चों, टू से लेकर के इन्फिनिटी तक। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है कि किस तरह से हमने क्वेश्चन किया है, क्योंकि इनइक्वालिटी सभी बच्चे जानते हैं किस तरह से सॉल्व किया जाता है। लेकिन अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो तुरंत दूसरा क्वेश्चन देखा करिए, तो पहले क्वेश्चन की तरफ, किसी भी क्वेश्चन की तरफ ना आए कोई भी, तो उसके बिल्कुल पीछे मत पढ़ा करिए, दूसरे क्वेश्चन को तुरंत समझा करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। fx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों इस क्वेश्चन की डोमेन बतानी है, fx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। कौन बता रहा है इसकी डोमेन? श्लोक तुम बताओगे बेटा इस फंक्शन की क्या डोमेन आएगी? ओके, कोई बच्चा है जो बताएगा इस फंक्शन की क्या डोमेन होगी? बिल्कुल करने का सेम वे है, अंडर रूट के अंदर जो नंबर होगा वो या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, तभी ये फंक्शन डिफाइंड हो सकता है, अदरवाइज नहीं डिफाइंड होगा। उसके बाद बच्चों आपको उसके फैक्टर करने पड़ेंगे। x का कोफिशियंट नेगेटिव होता है तो x के कोफिशियंट को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहां से रिमूव करना पड़ेगा। तो कैसे रिमूव करेंगे? माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस मल्टीप्लाई करके मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को नेगेटिव से पॉजिटिव बना लिया। अब बेटा इसके फैक्टर कर लो तो क्या आएगा, एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो। उसके बेटा बाद हमने इस तरह की इनइक्वालिटीज को आपको सॉल्व करने के लिए बताया कि आप नंबर लाइन बना लिया करिए, ठीक है, आप नंबर लाइन बना लिया करिए, इधर होता है प्लस इनफिनिटी और इधर होता है माइनस इनफिनिटी। तो अभी तक किसी ने आंसर नहीं बताया, मानसी ने एक आंसर बताया था लेकिन शायद वो सही नहीं है, देख लो बेटा। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस टू टू। तो अब हम यहाँ पे वेवी स्क्वायर पैटर्न फॉलो करेंगे, ये हो गया प्लस माइनस प्लस। अगर किसी बच्चे को अभी भी वेवी स्क्वायर पैटर्न नहीं आता है तो मेरे को अलग से बताए तो मैं इसको दोबारा देख लूंगा, ठीक है बच्चों। तो यहां से आंसर आ गया x बिलोंग टू माइनस टू से टू, और बेटा माइनस टू और टू को मैंने इसलिए इंक्लूड कर लिया क्योंकि मेरे को जीरो भी चाहिए, इसलिए माइनस टू और टू भी यहाँ पे इंक्लूडेड रहेंगे। तो बच्चों देखो हमने किस तरह से फंक्शन की डोमेन हम निकालते चले जा रहे हैं, तो इस तरह से फंक्शन की डोमेन निकालते हैं। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार मैं पूछ लेता हूँ, देवांश बेटा तुमको समझ में आ गया? हाँ सर। ओके, तो बच्चों हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों अब यहां पर आपको देखना होगा, अगर आपके पास दो फंक्शन ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो या मल्टीप्लाई हो रहे हो, ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, पहले हम उनके लिए देख रहे थे, रूल सबके लिए सेम होता है। तो बच्चों अगर हमारे पास इस तरह के दो फंक्शन है तो हम क्या करते हैं, पहले हम पहले वाले फंक्शन एफ एक्स की डोमेन निकालेंगे, फिर हम दूसरे वाले फंक्शन की डोमेन निकालेंगे, और फिर ऐसा एक्स लेंगे जो पूरे फंक्शन को एक साथ डिफाइन करे, यानी आपको क्या लेना पड़ेगा, उनका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। बच्चों यहाँ पे समझ लीजिएगा, पहले आप पहले वाले फंक्शन की डोमेन निकालेंगे, फिर दूसरे वाले फंक्शन की डोमेन निकालेंगे, फिर उनका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, तब जाके आपका फाइनल आंसर रहेगा। क्योंकि अगर यूनियन ले लेंगे तो उसका मतलब ये हुआ कि पहले का मान लो कोई ऐसा एक्स है जो दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ओवरऑल फंक्शन आपका डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो आपको बेटा अगर कोई भी फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हो, सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो ऐसे केस में आपको सिर्फ एक ही काम करना है, जितने भी फंक्शंस दिए हैं सबकी डोमेन निकाल लीजिए और सबका इंटरसेक्शन देख लीजिए। जैसे बच्चों आपको यहाँ पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, वो आप ही करेंगे। क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये है बच्चों,
तो बच्चों इस फंक्शन की हमको डोमेन निकालनी है, तो पहले वाले फंक्शन की डोमेन निकालेंगे, फिर दूसरे वाले की निकालेंगे, फिर उनका इंटरसेक्शन लेंगे। चलिए बच्चों देखिए कैसे करते हैं। जब हम पहले वाले की निकालेंगे तो अंडर रूट का मतलब बाबा समझ गए होंगे कि अंडर रूट को मतलब कभी भी आए तो उसको ग्रेटर और इक्वल टू जीरो करके सॉल्व करना होता है। इसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस फोर लेस देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा, और अगर हम इसका सॉल्यूशन सेट निकाल लेंगे तो आएगा माइनस इंफिनिटी से फोर, और फोर पे बेटा क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। और बेटा दूसरा वाला फंक्शन क्या है, वो वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। इक्वल टू जीरो नहीं लेंगे क्योंकि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन न्यूमिनेटर में नहीं है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डिनोमिनेटर में, और अगर डिनोमिनेटर में होता है बेटा तो वो जीरो कभी नहीं हो सकता, ये बात आपको याद रखनी होगी। ठीक है बच्चों, अब हम इसके फैक्टर कर देंगे, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन अरेंज करेंगे और हर बार की तरह जो आंसर निकालते हैं इसका निकाल लेंगे, वैसे तो कई बच्चे देख के ही बता लेंगे। माइनस वन वन, ये देखिए बच्चों ये हुआ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो बच्चों आपका आंसर आ गया क्या आएगा, एक्स बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इंफिनिटी। तो बच्चों आपके पास यहाँ पे दो आंसर आए हैं, इस आंसर को ए मान लो और इस आंसर को मान लो बी। अब आप क्या लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन, यानी आपको ऐसा एक्स चाहिए जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो इसके लिए बच्चों हमने क्या तरीका आपको बताया है कि अगर आप डायरेक्टली नहीं देख पाते हैं तो आप क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे और अपने रीजन को शेड करेंगे। तो पहला रीजन क्या है, फोर माइनस इंफिनिटी से फोर, तो बच्चों माइनस इंफिनिटी से फोर शेड करिए, ये देखिए माइनस इंफिनिटी से फोर, और बच्चों फोर इंक्लूडेड है तो वहां पे हम क्लोज सर्किल बना देंगे। उसके बाद क्या है बच्चों, माइनस वन और वन, तो बच्चों माइनस वन यहाँ पे होगा और वन फोर से पहले ही होगा, तो अगर हम ये रीजन शेड करेंगे तो माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इंफिनिटी। और बच्चों यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि वन इंक्लूड नहीं है इसलिए वहां पे ओपन सर्किल बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे कॉमन रीजन आपको दिखाई दे रहा है, कोई कॉमन रीजन, कॉमन रीजन बच्चों क्या आ रहा है, कोई दिखाई दे रहा है, किसी को दिखाई दिया कॉमन रीजन क्या है, कॉमन रीजन है माइनस इनफिनिटी से माइनस वन और वन से फोर। यस, माइनस इनफिनिटी से माइनस वन और वन से फोर, वन पे ओपन ब्रैकेट होगा और फोर पे क्लोज ब्रैकेट होगा क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। ओके गुड, तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं अगर आप उसको समझेंगे, तो डोमेन के क्वेश्चंस करना काफी आसान है, ये एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं। अब जब से जैसे आप ऊपर की पढ़ाई करेंगे आपके क्वेश्चंस का लेवल टफ होता चला जाएगा। अगर आपको यहाँ के क्वेश्चंस नहीं क्लियर हो रहे तो ज्यादा टफ क्वेश्चंस फिर आप कर ही नहीं पाएंगे, पहले आप यहाँ से समझने की कोशिश करिए तभी आप ऊपर के लेवल पे जा सकते हैं, मतलब आपको यही प्रॉब्लम होगी। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों हम लोग यहाँ छोटा सा और डिस्कशन करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। मैंने बच्चों डोमेन के लिए आपको आइडिया दिया लेकिन रेंज का आइडिया नहीं दिया, तो बच्चों रेंज के लिए भी मैंने आपको बताया कि रेंज का मतलब क्या होता है। अब हम रेंज आपको निकालना सिखाते हैं, तो अब एक क्वेश्चन आप लिखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन पहले हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स गिवन बाय, गिवन बाय, देखिए बच्चों क्या गिवन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स गिवन बाय। तो देखो बच्चों फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन है आपका x माइनस टू होल डिवाइड बाय थ्री माइनस सिक्स, ये है बच्चों आपका। तो बच्चों डोमेन तो आप देख के ही बता सकते हैं, डोमेन में आप क्या बोलेंगे, कौन बच्चा बता देंगे जल्दी से, डोमेन, डोमेन होगी बेटा इसकी
डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगी? आप कहेंगे x belong to all real numbers except 3, क्योंकि 3 पे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x belong to minus infinity से, x belong to minus infinity से 3, union 3 से infinity. अब बच्चों क्या निकालनी है आपको यहाँ पर? रेंज निकालनी है. तो रेंज निकालने की एक छोटी सी एल्गोरिथम होती है, वो एल्गोरिथम आप समझ लीजिए, फिर आप रेंज आप निकालना सीख जाएंगे. फिर और जो मेथड है वो भी आप धीरे धीरे सीखेंगे. सबसे पहले बेटा रेंज अगर निकालनी होती है तो हमारे पास छोटी सी एल्गोरिथम होती है. हम क्या करते हैं, जो एफ एक्स है उसको लिख देते हैं वाई, मतलब वाई इज इक्वल टू एफ एक्स तो होता ही है, मतलब एफ एक्स की जगह हम वाई लिख देते हैं. क्या लिख देते हैं? वाई लिख देते. ठीक है, तो बच्चों हमने एफ एक्स की जगह वाई लिख दिया. अब बेटा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे अभी हमको x का फंक्शन नजर आ रहा, वैसे ही बच्चों y का फंक्शन बनाते हैं. कैसे बनाते हैं y का फंक्शन? क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं. मतलब हम फंक्शन किसका बनाएंगे? y का फंक्शन बना लेंगे. जैसे x का फंक्शन आप देख के बता सकते हैं कि उसकी डोमेन क्या है, वैसे आप y का फंक्शन आप देख के बता सकते हैं कि y का फंक्शन कब कब डिफाइंड है और y का फंक्शन कब कब डिफाइंड नहीं है, तो उसकी रेंज आ जाएगी. अब आप समझ गए होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यानी y times 3 minus 6 is equal to x minus 2. तो बच्चों यहां पे आ जाएगा 3y minus xy, 3y minus xy is equal to x minus 2. और बच्चे और जब हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे तो हमारा टारगेट क्या है? x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालना. क्या निकालना है? x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालना. तो बच्चों हम x के टर्म क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे. चलिए देखिए किस तरह से सेपरेट करते हैं. तो बच्चों ये हो जाएगा 3y is equal to x minus 2, इधर कर दो तो इधर आके प्लस 2 हो जाएगा, x plus xy. ठीक है बच्चों, यहाँ का स्टेप सबको क्लियर होगा, सिर्फ मैंने टर्म्स को कलेक्ट किया है. 2 plus 3y is equal to x times 1 plus y. तो बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू देखिए मैंने इन टर्म्स ऑफ y निकालनी है. क्या ही है? 2 plus 3y whole divided by 1 plus y. तो बच्चों अगर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ चुकी है तो अब आप क्लियर कट बता सकते हैं कि इसमें जो रेंज होगी वो क्या होगी. रेंज का मतलब जैसे डोमेन आप कहते हैं कि ऐसे x जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो, और रेंज का मतलब ऐसे y. अब बताओ बेटा यहाँ पर कौन कौन से y पुट अप हो जाएंगे? तुम कहोगे सर यहाँ पर सारे y आप पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट y इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 पे क्या हो जाएगा? ये अनडिफाइंड हो जाएगा. तो बच्चों ये आपको समझ में आना चाहिए कि इसकी रेंज क्या है. यहाँ पे सारे y वैल्यूज अपनी ले सकते हैं लेकिन माइनस 1 को छोड़कर. तो बच्चों आपकी रेंज आ गई. रेंज कैसे लिखेंगे आप? रेंज लिखेंगे माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन माइनस 1 से इंफिनिटी. ऐसे भी आप लिख सकते हैं. तो बच्चों ये रेंज निकालने का तरीका था, एल्गोरिथम है, बहुत ही छोटी एल्गोरिथम है, कोई बहुत टफ एल्गोरिथम नहीं है. लेकिन रेंज निकालते समय आपको सावधान रहना पड़ेगा. ये तो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन वैसे आपको रेंज निकालते समय बहुत सावधान रखना पड़ेगा, क्योंकि रेंज निकालने का कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता है. ये तो मैंने आपको एक साइड में एल्गोरिथम बता दी है, लेकिन ये एल्गोरिथम रेंज में स्पेशली कभी कभी फेल भी कर जाती है. पता पड़ा आपने आंसर निकाला, आंसर निकालने के बाद उसमें एक ऐसा वाई आ गया जो उस फंक्शन में हो ही नहीं सकता, गलत हो जाएगा आपका आंसर. कभी कभी क्रॉस चेक करना पड़ता है इसमें. तो रेंज का बेटा ऐसा कोई सच मैथड नहीं होता, इसलिए रेंज निकालते समय आपको सावधान रहना पड़ेगा जैसे जैसे हम लोग आगे निकालेंगे. चलिए तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं. अब बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा बच्चों, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं. तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, और इतना क्लियर हो तो किसी को मेरे को बता सकता है भाई. अभी भी कोई ऐसा बच्चा जिसको बिल्कुल ना समझ में आए हो मेरे को बताए. ओके सबको क्लियर है. तो बच्चों अब आपके पास एक नया क्वेश्चन है. क्वेश्चन है बच्चों y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. बच्चों इस फंक्शन की आपको क्या निकालनी है? रेंज निकालनी है. क्या निकालनी है?
रेंज। अगर आप बुक वगैरह में देखेंगे तो बुक वगैरह में काफी बड़ा क्वेश्चन लिखा रहता है, लेकिन निकालनी इसमें रेंज ही होती है। तो आप रेंज कैसे निकालेंगे? अब बच्चों उस फंक्शन की रेंज निकालनी है, देखिए आप कितने स्मार्ट है, कितनी जल्दी निकाल पाते हैं। सबसे पहले आप अल्गोरिथम लगाएंगे, कहेंगे x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालो। तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर क्या करेंगे? टर्म्स कलेक्ट करेंगे, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। फिर क्या आएगा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम्स वन माइनस वाई। फिर क्या आएगा? x square is equal to y upon 1 minus y. फिर क्या आएगा? x is equal to under root of y upon 1 minus y. ये देखो बच्चों, मैंने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? डिफाइन करना है भैया, इसकी रेंज निकालनी। तो तुम कहोगे सर ये तो रेंज वाली जो चीज है सर y, वो अंडर रूट के अंदर है, और अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर होता है तो वो क्या होना चाहिए? जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो बच्चों यहां पर आपके पास रेस्ट्रिक्शन आ जाएगी रेंज पे, मतलब वाई पे, क्योंकि वो अंडर रूट के अंदर है ना, अंडर रूट के अंदर कोई भी टर्म हो वो जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। अब बच्चों यहां पर वाई का कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए उसको पहले पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, ये लेस देन जीरो हो गया। इसके बाद बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? नंबर लाइन बनाएंगे। ये देखिए बच्चों मैंने आपके सामने नंबर लाइन बना दी है, इसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। ये दो क्रिटिकल पॉइंट है, जीरो और वन। अब हम वेवीज कर मेथड को अपनाएंगे। ये देखिए मैंने उसको अपनाया प्लस माइनस प्लस। तो बच्चों आपका आंसर आपके सामने आ रहा है, y बिलोंग टू जीरो से वन। तो y जीरो हो सकता है लेकिन वन नहीं हो सकता, क्योंकि वन पे क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी हो गई रेंज। क्या हो गई? रेंज। तो सभी बच्चों को रेंज निकालना आ गया होगा। जब वाई में रेस्ट्रिक्शन आती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग रेंज के नाम से जानते हैं। ओके बच्चों, सबको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा? किसी को ना क्लियर हो तो वो बिल्कुल बता सकता है। हाँ भाई, किसी को ना क्लियर हो तो वो मेरे को बताए भाई। हाँ भाई, कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी नहीं क्लियर हुआ हो तो हम लोग आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आगे जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। बच्चों जो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं वो आपको और ध्यान से देखना पड़ेगा। ओके, मैं पूछ लेता हूं नाम लेकर के। ओके बेटा, आकर्षण बेटा आपको अभी तक क्लियर है जितना बताया? यस सर। ओके कृति बेटा, तुम्हारी आज आवाज नहीं आ रही है, तुम्हें क्लियर है सब? यस सर। ओके गुड। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर आपको क्लियर है तो फिर आप एक क्वेश्चन करिए। मैं आपको इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी टफ नहीं दे रहा हूँ। आंसर आप ही बताने की कोशिश करिए। अभी आपको डोमेन निकालनी है, ठीक है? बहुत इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको सिर्फ डोमेन निकालनी है। फंक्शन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू होल डिवाइड बाय थ्री माइनस एक्स। इसकी बेटा डोमेन आप लोग सब लोग निकालिए। जरा मैं देखता हूँ कौन डोमेन निकाल पा रहा है, कौन नहीं निकाल। चलिए डोमेन निकालिए इसकी।
ओके किसी का आंसर आया बच्चों? डोमेन यस सर। क्या है बेटा? सर माइनस इंफिनिटी से टू और यूनियन थ्री से इंफिनिटी, थ्री में क्लोज ब्रैकेट नहीं है। अच्छा अच्छा अभी हम देखते हैं बेटा तुम्हारा आंसर। ओके लगता है तुमने कोई मिस्टेक तो नहीं की है। चलो मैं चेक करता हूँ। अच्छा चलो मैं देखता हूँ। तो सबसे पहले ये डोमेन निकालने का कंसेप्ट वही पुराना कंसेप्ट। आप सबसे पहले जो अंडर रूट के अंदर है उसको पॉजिटिव करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस टू अपॉन थ्री माइनस एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। उसके बाद यहाँ पर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में देखिए x का कोफिशिएंट नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है। अब हम नंबर लाइन पे इसको अरेंज कर देंगे। नंबर लाइन पे हम अरेंज कर रहे हैं देखिए दो फैक्टर आएंगे टू और थ्री। वेवी स्कर पैटर्न बनाएंगे बेटा। देखो वेवी स्कर पैटर्न बनाने प्लस माइनस प्लस। अब बेटा आप अपना आंसर चेक करिए क्या आंसर आ रहा है। आंसर आ रहा है एक्स बिलोंग टू टू से थ्री जहां पे टू पे जीरो हो सकता है लेकिन थ्री पे जीरो नहीं हो सकता। तो बेटा ये आंसर है ठीक है। शायद आप माइनस मल्टीप्लाई करना भूल तो नहीं कहते। यस सर साइन में चेंज करा था मैं। ओके ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों देखिए ध्यान से क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट। तो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको डोमेन निकालनी है। पहले क्वेश्चन है बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू माइनस साइन थ्री एक्स। ये है बेटा आपको बेटा इसकी डोमेन निकालनी है। तो सबसे पहले डोमेन के लिए आप क्या कहेंगे कि सर ये हर एक्स पे कोई ना कोई वैल्यू देगा बस आपको चेक करना होगा कि डिनोमिनेटर कभी जीरो तो नहीं हो जाएगा। तो बेटा हमने अगर आपको नहीं पढ़ाया है तो मैं आपको एक बार बात बता देता हूं। तो बच्चों मैं आपसे एक बार पूछना चाहता हूं क्या मैंने आपको साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ बताया है। बच्चों हमने आपको साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ बताया है? नो सर नहीं बताया है। ओके कोई बात नहीं सर बताया है। अच्छा बताया है चलो कोई बात नहीं। वो कोई दोबारा पढ़ना चाह रहा है। एक बार हल्की सी हिंट दे देते हैं। तो हल्की सी हिंट से आप समझ जाएंगे कि इसकी जो डोमेन होगी वो सारे रियल नंबर्स होंगी। क्यों? क्योंकि बेटा साइन थ्री एक्स तो कभी टू होता ही नहीं है। जब साइन थ्री एक्स कभी टू होता ही नहीं है तो ये कभी डिनोमिनेटर जीरो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब हर एक्स पर ये वैल्यू डिफाइंड होगी। इसका मतलब इसकी डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन होगी सारे रियल नंबर्स। तो अगर आपको नहीं क्लियर है साइन एक्स का ग्राफ तो बच्चों हम एक बार बता देते हैं। ये देखिए साइन एक्स का ग्राफ मैंने इस बार से एक बार इस तरह से प्लॉट किया था। ये बेटा साइन एक्स का ग्राफ एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। बाकी आप इसके बारे में ट्रिग्नोमेट्री जब मैं पढ़ाऊंगा तब आप जानेंगे। लेकिन ये पीरियोडिक फंक्शन होता है। ये इस तरह से अपना पाथ रिपीट करता है। जीरो पे साइन की वैल्यू जीरो होती है। 90 को बेटा हम लोग पाई बाई टू लिखते हैं क्योंकि हम लोग जो एंगल्स होते हैं वो रेडियंस में लिखते हैं। तो 180 बाई टू मतलब 90। फिर 0 पाई बाई टू पाई पाई का मतलब होता है बेटा 180 पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इसका मतलब साइन एक्स की वैल्यू पाई पे क्या होगी? जीरो होगी। उसके बाद 3 पाई बाई टू का मतलब होता है बेटा 270 पे उसकी वैल्यू -1 होगी। उसका बेटा बाद 2 पाई होगा। इस तरह से वैल्यूज चलती चली जाती हैं। अगर आपको काफी सारे पॉइंट्स लिखने हो तो आप पॉइंट्स खुद बता सकते हैं। आप अपने मन में क्या लिखा करिए, आप अपने मन में n पाई बाय 2 एज्यूम कर लिया करिए। देखिए n की जगह 0 डालेंगे तो या आप यहां खड़े होंगे। देखिएगा हमारे पॉइंट देखते चले जाइए। n की जगह 0 डालेंगे तो 0 आएगा। n की जगह 1 डालेंगे तो पाई बाय 2 हो जाएगा। n की जगह 2 डालेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई हो जाएगा। n की जगह 3 डालेंगे 3 पाई बाय 2। n की जगह 4 डालेंगे 2 पाई पे। n की जगह 5 डालेंगे 5 पाई बाय 2। n की जगह 6 डालेंगे तो 3 पाई हो जाएगा। n की जगह 7 डालेंगे तो 7 पाई बाय 2 हो जाएगा। n की जगह 8 डालेंगे तो 4 पाई हो जाएगा।
तो बेटा ये साइन एक्स का ग्राफ है। आज मैं आपको थोड़ी एडवांस जानकारी दे देता हूँ। आप ध्यान से देखिए कि साइन एन पाई जो होता है वो ऑलवेज जीरो होता है जहां पर एन होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। ये आपको याद रखना होगा। आप चेक कर लीजिए, पाई पे, टू पाई पे, थ्री पाई पे, फोर पाई पे, अगर आप यहाँ माइनस पाई भी लेंगे ना तो भी ये जीरो हो जाएगा। कोई भी इंटीजर हो साइन उस पर क्या होगा, हमेशा जीरो। क्यों? और ये आपको याद रखना होगा कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि साइन का ग्राफ जो एक ऑड फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन की पहचान ही होती है कि अगर उसके एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो माइनस वापस बाहर आ जाता है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ऑड फंक्शन होता है। तो अगर आप साइन ऑफ माइनस पाई लिखेंगे तो वो माइनस साइन पाई हो जाएगा, और साइन पाई जीरो होता है, जीरो इंटू माइनस वन जीरो ही होगा। तो बच्चों आपको ये रिजल्ट हमेशा अपने टिप पे याद रखना है कि जो साइन एन पाई होता है वो ऑलवेज जीरो होता है। इसको आप हमेशा ही याद रखेंगे, आप भूलेंगे नहीं। ठीक है बच्चों? और बच्चों ये तो ग्राफ आपके पैटर्न में समझ गए होंगे कि ग्राफ अपनी मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है। ये देखो बेटा, ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, और नीचे बेटा ये मिनिमम वैल्यू है इसकी। तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू क्या है उसकी, प्लस वन। मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस वन। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो कोई भी एंगल का साइन हो, चाहे वो साइन 3x हो, चाहे वो साइन 100x हो, चाहे वो साइन 1000x हो, किसी भी एंगल का साइन हो, तो वो किसके बीच में लाई करेगा, माइनस वन से वन के बीच में लाई करेगा। तो आप इसको स्टैंडर्ड में यहां लिख लेते हैं कि चाहे साइन थीटा हो चाहे कॉस थीटा हो, ये माइनस वन से वन के बीच में ही लाई करते हैं। ठीक है ना? मतलब मिनिमम वैल्यू माइनस वन, मैक्सिमम वैल्यू वन। तो बेटा हमें क्या चाहिए, हमें तो टू माइनस थ्री साइन एक्स चाहिए। हमें क्या चाहिए, टू माइनस साइन थ्री एक्स चाहिए, अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो। लेकिन आप तो देख ही चुके हैं कि इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन है सारे रियल नंबर्स। इसकी डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर्स। क्यों? क्योंकि साइन थ्री एक्स तो कभी जीरो होता ही नहीं है, सॉरी साइन थ्री एक्स तो कभी टू होता ही नहीं है, तो डिनोमिनेटर तो कभी टू हो ही नहीं सकता, साइन थ्री एक्स टू हो ही नहीं सकता, तो डिनोमिनेटर कभी जीरो होएगा ही नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो होने के लिए कंपलसरी है कि साइन थ्री एक्स टू हो। अब भैया साइन थ्री एक्स की मैक्सिमम वैल्यू वन होती है, तो वो टू वैल्यू कहां से लेगा? तो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या हो गई, ऑल रियल नंबर्स। तो मैं ये इसका आंसर तो लिख देता हूं, दिस इज योर डोमेन, ऑल रियल नंबर्स। और अगर आप चेक करना चाहें कि 2 माइनस साइन 3x कहां से कहां तक अप्लाई करता है, तो वो भी देख सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए आप साइन 3x लिखिए माइनस वन से वन, और पूरी इक्वेशन में माइनस मल्टीप्लाई करिए, करिए पूरी इक्वेशन माइनस मल्टीप्लाई करिए, तो ये वन हो जाएगा, ये इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। बच्चों देखते रहिएगा, ये देखिए हमने पूरी इक्वेशन में माइनस वन मल्टीप्लाई किया, तो माइनस वन मल्टीप्लाई करने पर हम इसको बच्चों इस तरह से भी लिख सकते हैं कि माइनस साइन थ्री एक्स, इसको बच्चों हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये ऊपर वाला मेथड चाहे नीचे वाला मेथड, ये दोनों ही सेम है। ठीक है बच्चों, चाहे ऊपर वाले मेथड से लिखो चाहे नीचे वाले मेथड से लिखो, ये दोनों ही क्या है, सेम है। ठीक है बच्चों, क्योंकि साइन माइनस साइन थ्री एक्स पे ऊपर भी ग्रेटर का साइन है, नीचे भी ग्रेटर का साइन है। अब बच्चों क्या चाहिए, पूरी इक्वेशन में टू ऐड कर दो, तो माइनस वन प्लस टू, टू माइनस साइन थ्री एक्स प्लस टू। तो बच्चों क्या आ गया, यह आ गया वन से लेकर के, वन से लेकर क्या आ गया, थ्री। तो बच्चों आप देख लीजिए कि भैया टू माइनस साइन थ्री एक्स क्या कभी जीरो हो सकता है, नहीं जीरो हो सकता। क्यों? क्योंकि वो लाई वन से थ्री के बीच में करता है, तो वो तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या हुई, ऑल रियल नंबर्स। क्यों बच्चों, समझ में आया बच्चों? यस सर। ओके, तो बेटा टू माइनस साइन थ्री एक्स वन से थ्री के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम इसको थोड़ा सा आगे फिर से लिखते हैं, ये बात, इस बात को हम आगे फिर से रिपीट करते हैं। क्या लिखते हैं, दोबारा फिर से लिखते हैं कि टू माइनस साइन थ्री एक्स, टू माइनस साइन थ्री एक्स किसके बीच में लाई करता है, वन से थ्री के बीच में, वन से थ्री के बीच में। ठीक है बच्चों, बच्चों इस पूरी इक्वेशन में रेसिप्रोकल कर दो जरा, रेसिप्रोकल पूरी इक्वेशन में,
रेसिप्रोकल करने पर इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है. देखो मैं किस तरह से करता हूं. देखिए भाई, 2 माइनस साइन 3x 1 से 3 के बीच में लाई करता है. तो अगर हम पूछेंगे 1 अपॉन 2 माइनस साइन 3x कहां से कहां के बीच में लाई करेगा, तो आप क्या बताएंगे? पूरी इक्वेशन में रेसिप्रोकल करिए. ये देखिए, रेसिप्रोकल कर दिया पूरी इक्वेशन को. ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 माइनस साइन 3x लाई करता है 1 बाई 3 से लेकर के 1 के बीच में. ठीक है, और बच्चों 2 माइनस साइन 3x क्या है? fx है. क्या है? fx. तो fx की वैल्यू 1 बाई 3 से 1 के बीच में लाई कर रही है. तो मतलब आपने क्या निकाल ली? इसकी रेंज निकाल ली. ये बेटा देखिए, आपने रेंज निकाल ली यहां पर, क्योंकि रेंज निकालने के लिए बच्चों इस क्वेश्चन में आपके पास वो चीज नहीं होती है जो आप सोच रहे हैं. क्या आप सोचेंगे कि भैया x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालो, ये करो वो करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना. यहाँ पे रेंज निकालने का सीधा तरीका है कि आप डायरेक्ट फंक्शन को निकाल लो, उसकी वैल्यू अपीयर करा लो. तो बेटा मैंने आपसे कहा था ना कि रेंज निकालते समय आपको सावधान रहना पड़ेगा. तो देखिए यहाँ पे सावधानी आपकी लगी है, क्योंकि यहाँ पर रेंज निकालने के लिए कोई एल्गोरिथम नहीं लग रही है. तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या निकाला, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं. हम लोग ने बच्चों यहाँ पर डोमेन निकाल ली. डोमेन क्या आई? सारे रियल नंबर्स. और बच्चों रेंज क्या आई? रेंज आई है बेटा 1/3 से 1. और याद रखिएगा, रेसिप्रोकल करने पर इन इक्वेशन का साइन क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता. वो तो होएगा ही होएगा, जाहिर सी बात है. अगर x 2 से 4 के बीच में लाई कर रहा और अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो अगर 4 बड़ा है तो 1/4 छोटा हो जाएगा, 2 छोटा है तो 1/2 बड़ा हो जाएगा. इसलिए इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है. तो बच्चों आपको ये क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इतनी देर से. ठीक है बच्चों, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से मैंने इसकी डोमेन और रेंज का जिक्र किया और आपको सिखाता चला गया. ठीक है बच्चों, यहाँ पे किसी को डाउट हो तो दोबारा भाई पूछे, हम दोबारा भी बता देंगे. किसी को कोई भी डाउट हो, और अगर किसी को कोई भी डाउट नहीं है तो फिर वो हमारा क्वेश्चन करेगा. ठीक है, क्या करेगा? जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं वो क्वेश्चन उसको करना पड़ेगा. तो हम जो क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखने जा रहे हैं वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वो आपको करना पड़ेगा. अब हम दो फंक्शंस का डिवीजन दे रहे हैं, और दो फंक्शंस का डिवीजन देंगे उसमें आपको क्या निकालनी है? उनकी डोमेन निकालनी है. क्या निकालनी है? डोमेन निकालनी है. तो दो फंक्शंस आपके क्या है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत इजी मैं देता हूं आपको. एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस टू, और जी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर. क्या निकालना है बेटा आपको उनकी? एफ एक्स अपॉन जी एक्स. इसकी आप क्या निकालेंगे? इसकी आप निकालेंगे डोमेन. बताइए बच्चों एफ एक्स अपॉन जी एक्स की डोमेन क्या होगी? चलिए भाई जल्दी करिए. एफ एक्स अपॉन जी एक्स की आपको डोमेन निकालिए, जल्दी निकालिए. तो मैंने क्या आपको मेथड बताया था कि एफ एक्स की डोमेन निकाल लीजिए, जी एक्स की डोमेन निकाल लीजिए, और उनका क्या ले लीजिए? इंटरसेक्शन ले लीजिए. आपका आंसर निकल आएगा. तो किस बच्चे का आंसर आ गया? किसी का आंसर आया? तो पहले एफ एक्स की डोमेन निकालिए, फिर जी एक्स की डोमेन निकालिए, फिर उनका इंटरसेक्शन ले लीजिए. कर लेंगे अपने आप कि हम कर दें इस क्वेश्चन को. अगर आप जवाब नहीं देंगे तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगा.
बताइए भाई, ठीक है आप कर लेंगे ना इस क्वेश्चन को? एफ की डोमेन कैसे निकालेंगे? एफ की आप डोमेन निकालेंगे, लिखेंगे अंडर रूट के अंदर है तो x प्लस टू ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, तो यहां से क्या आएगा, x बिलोंग टू माइनस टू से इंफिनिटी। जीएक्स की कैसे निकालेंगे बच्चों डोमेन? जीएक्स की भी निकालिए, क्या लिखेंगे, फोर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर लेस देन इक्वल टू जीरो, फैक्टर करेंगे एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो, तो यहां से बच्चों क्या आएगा, x बिलोंग टू माइनस टू से टू। अब बच्चों यहां पर आपको एक ध्यान देना पड़ेगा कि जो gx है, बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो gx है वो कहां पर होगा, डिनोमिनेटर में होगा, तो आप इंटरसेक्शन लीजिए जरूर, लेकिन माइनस टू और टू को एक्सक्लूड कर दीजिएगा, क्योंकि gx कहां चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और डिनोमिनेटर कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो आप क्या करेंगे, आप अपनी एफ वाली का और जे वाले का, ये दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन लेंगे और उसमें से वो वाले पॉइंट्स माइनस कर देंगे जिसमें आपका जी एक्स क्या होता है, जीरो होता है। जी एक्स क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो उसको हम लिख देते हैं आपके लिए, वो वाले पॉइंट्स आप माइनस करेंगे जहां पर जी एक्स क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहें तो यहीं पे चेंज कर सकते हैं, आप माइनस टू और टू पर क्या करेंगे, क्लोज ब्रैकेट लगाइए ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है। अब आप इंटरसेक्शन ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या मेरे को इस क्वेश्चन को आगे करना है बच्चों? किसी को आवाज आ रही है मेरी? देवांश? हाँ सर आ रही है। तो बेटा हम आगे करें कि नहीं करें? ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री का मॉड माइनस फाइव। ये लो बच्चों, आपको डोमेन निकालनी है इस क्वेश्चन की। अब देखें आप क्या करते हैं, आपको डोमेन किसकी निकालनी है, एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस थ्री माइनस फाइव। आपको उसकी क्या निकालनी है बच्चों, इसकी आपको डोमेन निकालनी है। तो निकालिए डोमेन, देखें भाई कैसे निकालते हैं आप, मैं वेट कर रहा हूं डोमेन निकालनी। चलिए ये आपका नया क्वेश्चन है, अब आपको डोमेन निकालनी है इसकी। हाँ, तो डोमेन बच्चों किस तरह से निकालेंगे, आप सबसे पहले कहेंगे कि जो मॉडुलस के अंदर नंबर है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस थ्री ग्रेटर और इक्वल टू फाइव। उसके बाद आप प्रॉपर्टी लगा देंगे, याद करिए मैंने आपको नोट्स में सिखाया था, मैंने सिखाया था अगर मॉड एक्स अगर ग्रेटर और इक्वल टू ए होता है, मॉड एक्स ग्रेटर और इक्वल टू ए होता है तो उसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है एक्स लेस देन इक्वल टू ए माइनस ए, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए यूनियन एक्स ग्रेटर और इक्वल टू ए, ठीक है, ये इसका आंसर था, याद करिए, जिसको आपने इस तरह से भी लिखा था कि एक्स बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इंफिनिटी। तो ये बेटा मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू ए का आप जानते हैं, और मैंने बच्चों आपको ये भी बताया था कि मॉड एक्स अगर लेस देन इक्वल टू ए हो तो एक्स लाई करता है माइनस ए से प्लस ए, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू माइनस ए से ए, तो सबको याद होगा। तो बच्चों इस प्रॉपर्टी को, जो पहली वाली प्रॉपर्टी अभी हमने आपको बताई मॉड एक्स ग्रेटर और इक्वल टू ए, तो बेटा आप उसको यूज करेंगे, ठीक है बच्चों।
तो बेटा बस x की जगह क्या है, x माइनस थ्री है और a की जगह फाइव है, यूज करें। चलिए देखिए क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे जो x है क्या है, x है यानी कि x माइनस थ्री, वो क्या है लेस देन इक्वल टू माइनस एट, यूनियन x जो है ग्रेटर और इक्वल टू a। ये देखो बेटा मैंने आपका आंसर निकाला, तो बेटा यहां से क्या आ गया, ये आ गया x माइनस थ्री प्लस फाइव लेस देन इक्वल टू जीरो यूनियन x ग्रेटर इक्वल टू फाइव प्लस थ्री एट। तो ये बच्चों क्या आया, ये आया x प्लस टू लेस देन इक्वल टू जीरो यूनियन x ग्रेटर इक्वल टू एट। तो बच्चों ये क्या है, x लेस देन इक्वल टू माइनस टू, दैट मीन्स यहाँ से आंसर आपका फाइनल आंसर लिख रहे हैं माइनस इंफिनिटी से माइनस टू क्लोज ब्रैकेट यूनियन एट से इंफिनिटी। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर हो गया, अगर किसी को ना समझ में आया हो तो मेरे को बताए। कृति अगर आपको बेटा प्रॉपर्टी नहीं पता है तो मैंने आपकी स्क्रीन पे देखिए दोबारा बताया है कि कभी भी मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू ए होता है तो आप डायरेक्टली इस आंसर को लिख सकते हैं। ये मैंने पहले भी नोट्स में काफी बार बताया है, अगर हो सकता है आपको ना पता हो, नहीं पता है तो आप इस प्रॉपर्टी को याद रखिए, मैं इसको बॉक्स में डाल दे रहा हूँ आपके लिए, ये प्रॉपर्टी बेटा मैंने यूज की है। ठीक है, और अगर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू होता है तो बेटा आप नीचे वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ये वाली। ठीक है, यस सर। ओके, तो बेटा इस तरह से ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो मैंने कहा था ना कि क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं। तो फंक्शंस में बच्चों अब हम आपको एक बहुत स्पेशल चीज सिखाने जा रहे हैं, कुछ ग्राफ्स को बेटा आप देख लीजिए, आप ग्राफ्स देखने जा रहे हैं, तो कुछ ग्राफ्स का डिस्कशन करते हैं हम लोग। ग्राफ्स सबसे बच्चों हम लोग पहले एक्सपोनेंशियल ग्राफ देखते हैं। जैसे बच्चों y इज इक्वल टू ए की पावर x का आपके पास कभी भी ग्राफ आ जाए, y इज इक्वल टू ए की पावर x का ग्राफ, तो आपने देखा है कभी y इज इक्वल टू ए की पावर x का ग्राफ, तो मैं आपके सामने बना रहा हूं, देखिए किस तरह से बनता है। तो मैं नीचे इसको एक्सटेंड कर देता हूं क्योंकि मैं ठीक इसके नीचे दूसरा ग्राफ भी बनाऊंगा, तो देखते रहिएगा। तो बच्चों y इज इक्वल टू ए की पावर x मतलब a जो होता है बेटा आपका, वो a बच्चों आपका ग्रेटर देन वन, मतलब ये y इज इक्वल टू टू की पावर x है, या y इज इक्वल टू हंड्रेड की पावर x हो सकता है, या y इज इक्वल टू थ्री की पावर x हो सकता है, मतलब ग्रेटर देन वन। तो बच्चों y इज इक्वल टू टू की पावर x, ये जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहते हैं, ये तो बेटा ये जो ग्राफ होते हैं ना ये ऑलवेज इंक्रीजिंग होते हैं, ये देखिए इस तरह से ये इंक्रीजिंग ग्राफ जैसे मैंने आपकी स्क्रीन पे बनाया, ये ऑलवेज इंक्रीजिंग होते हैं। इंक्रीजिंग का मतलब हर x पर, हर आने वाले x पे जो होगी इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हो। जैसे बेटा देखो अगर इस वाले x पर आप ध्यान से देखिएगा, हम दोबारा बना रहे हैं आपके लिए, इधर देखिए सब लोग, अगर x वाले x पर इसकी वैल्यू ये है तो आगे वाले x पर उसकी वैल्यू और ज्यादा होगी, उसके आगे वाले x पर उसकी वैल्यू और ज्यादा होगी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है बच्चों, और बच्चों अगर हम लिख दें अगेन y इज इक्वल टू a की पावर x, अगेन y इज इक्वल टू a की पावर x, जहां बच्चों जो a होता है वो जीरो से वन के बीच में लाई करता है, क्या लाई करता है, जीरो से वन के बीच में लाई करता है। जीरो से वन के बीच का नंबर आप जानते होंगे, जैसे वन बाई टू, वन बाई थ्री, वन बाई फाइव, वन बाई सिक्स, तो आपकी क्या एग्जाम्पल हुआ, जैसे वन बाई टू की पावर x या वन बाई थ्री की पावर x, है ना, या 0.4 की पावर x या 0.5 की पावर x। तो बेटा ये जो ग्राफ होते हैं ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ होते हैं, इनकी वैल्यू हर x पर जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा इनकी वैल्यू बच्चों कम होती चली जाएगी। ठीक है बच्चों, इनकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, तो अगर आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। मान लीजिए आपने यहां से x लिया, इसकी वैल्यू देखो ज्यादा थी, और आगे x बढ़े इसकी वैल्यू कम हो गई, और आगे x बढ़े इसकी वैल्यू और कम हो गई, ठीक है, और बढ़े आगे तो उसकी वैल्यू और कम हो गई। ठीक है, इस तरह से।
तो बच्चों ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इनके ग्राफ एक्सपोनेंशियली क्या होते हैं, डिक्रीजिंग। तो लिख दीजिए इस बात को, दीज आर एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। क्या होते हैं? एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ है, और ये क्या है? एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ है। डिक्रीजिंग ग्राफ ये आपको याद रखना होगा, ठीक है बच्चों? बच्चों हम लोग आगे पढ़ते हैं और एक ग्राफ आपको और बताते हैं। मेरे को लग रहा, पता नहीं बताया है कि नहीं बताया, मैं दोबारा बता देता हूं, आपका रिवीजन हो जाएगा। y इज इक्वल टू सिग्नम x, क्या मैंने सिग्नम x का ग्राफ बताया है आपको, याद है? यस ओके, तो हम दोबारा बताएं बच्चों उसको, कि आप लोग सबको आता है, कुछ बच्चे नए तो नहीं है इसमें, या हम बता दें बच्चों, बता दें इस ग्राफ को? यस सर। ओके बता देते हैं। तो सिग्नम एक्स का ग्राफ आप देख लीजिए, आप एक चीज चार बार पूछ सकते हैं बस, अगर आपका कंफ्यूजन है तो आपको बताना पड़ेगा। देखिए बच्चों, सिग्नम एक्स कुछ भी नहीं होता है, बहुत आसान सी डेफिनेशन होती है। जैसे मैंने आपको मॉड एक्स की डेफिनेशन बताई थी, वैसे ही सिग्नम एक्स की डेफिनेशन होती है। मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है? अगर मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव हो तो मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, मॉड के अंदर का नंबर नेगेटिव हो तो मॉड नेगेटिव साइन से ओपन होगा। वैसे ही बच्चों यहाँ पर होता है कि अगर सिग्नम के पास जो अगर एक्स है, अगर वो एक्स जीरो ना होकर के जीरो से बड़ा है, जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब जीरो से बड़ा है, तो उस नंबर का जो सिग्नम होगा वो वन होगा, और अगर जीरो है तो उस नंबर का सिग्नम भी जीरो होगा, और अगर एक्स वन से छोटा है, जैसे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, तो उसका जो सिग्नम होगा वो माइनस वन होगा और कुछ नहीं होता। अब बस इसको ग्राफ में आप इंडिकेट कर सकते हैं। तो ग्राफ में कैसे इंडिकेट करेंगे? पहले आप y इज इक्वल टू वन लाइन बनाएंगे, लेकिन y इज इक्वल टू वन लाइन बनाएंगे कब? जब x आपका क्या हो? जीरो से बड़ा हो, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं। ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये माइनस वन हो गया। अगर आपसे कोई y इक्वल टू वन बनाने के लिए कहता है तो आप y इज इक्वल टू वन लाइन कैसे बनाते हैं? वो x एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है, आप इस तरह से बनाते हैं। लेकिन y इज इक्वल टू वन लाइन तभी बनानी है जब एक जीरो से बड़ा हो, जीरो नहीं हो, जीरो से बड़ा हो, तो आप क्या करेंगे? आप इतना पोर्शन रिमूव कर देंगे, और जीरो पर उसकी वैल्यू वन नहीं है। ग्राफ को देखने में लग रहा है कि जीरो पर उसकी वैल्यू वन नहीं है, जीरो पे वन नहीं है, इसलिए हम जीरो पे वन नहीं आएगा, वो उस पॉइंट को एक्सक्लूड कर दीजिए। ये देखिए मैंने एक्सक्लूड कर दिया, जीरो पे क्या है वो? वो जीरो पे जीरो है, इसलिए मैंने ये पॉइंट ले लिया, क्योंकि जीरो कॉमा जीरो इसका एक आंसर है। उसी तरह से बच्चों आप y इक्वल टू माइनस वन बनाइए, तो y इक्वल टू माइनस वन क्या होगी? यही तो होगी लाइन y इज इक्वल टू माइनस, लेकिन ये पूरी नहीं बनानी है। ये कब बनानी है? जब x लेस देन जीरो हो, तो x लेस देन जीरो में आप बनाएंगे, यानी इतना पोर्शन आप रफ कर देंगे। अगेन वो जीरो पे माइनस वन नहीं है, इसलिए हम माइनस वन को क्या करेंगे? एक्सक्लूड कर देंगे। ये देखो एक्सक्लूड कर, तो बच्चों ये ग्राफ होता है सिग्नम x का। अगर आपसे कोई पूछे बच्चों सिग्नम 100 क्या होता है, मान लो किसी ने पूछ लिया सिग्नम 100 क्या होता है, तो आप कहेंगे उसके पास जो 100 है वो जीरो से बड़ा है तो उसका सिग्नम 1 होगा। किसी ने लिख दिया सिग्नम 0 क्या होता है, तो कहोगे जीरो पे तो जीरो होता है। किसी ने लिख दिया सिग्नम बताओ माइनस 200 क्या होता है, तो तुम कहोगे माइनस 1 होता है। अब आप समझ गए, तो बच्चों यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। सिग्नम का भी ग्राफ मैंने किस तरह से आपको तुरंत समझा दिया। अब बच्चों आप लोग समझ तो खूब रहे हो, अब आप लोग एक क्वेश्चन करो, मैं वेट करता हूँ कौन उसका आंसर बताता है, मैं वेट करता हूँ। चलिए तो बच्चों आपके क्वेश्चन है, ये आपके पैकेज के ही क्वेश्चन अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बच्चों ये फंक्शन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। तो बच्चों आपको इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है, फाइंड डोमेन। मैं रुका रहूंगा, देखिए कौन कितने बच्चे निकाल पाते हैं। फाइंड डोमेन,
तो देवांशा जब आपका डाउट नहीं डिस्कस कर पाए, शायद आप दोबारा करिएगा, आपका हो जाएगा क्वेश्चन, अगर नहीं होगा तो हम लोग, यानी कि अगली क्लास आपकी कल है तो बेटा देवांश हम कल आपका क्वेश्चन डिस्कस जरूर कर देंगे, एक बार आप इसको और ट्राई करिएगा, हो सकता है आपसे हो जाए। चलो लेकिन हो नहीं रहा तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है ना इसलिए। चलो कोई बात नहीं, कल हम डिस्कस कर देंगे, कल भी क्लास है, परसों भी क्लास है, कल कर देंगे। ओके बच्चों, सभी के पास ये क्वेश्चन आ गया है, सब लोग आंसर निकालिए बच्चों। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फिर हम लोग कल क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस होंगे और इस तरह से फंक्शन आपका कंटिन्यू होता जाएगा। फंक्शन में आपके पास लॉग भी है करने के लिए, आपको लॉग भी सीखने को मिलेगा, तो बस क्लासेस मिस मत करिएगा वरना आपको कम समझ में आएगा। तो बच्चों इसका कंसेप्ट अभी हमने आपको बताया था कि मॉड के अंदर का जो नंबर होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको अगर सही से लिखना चाहें तो अभी ये सही से नहीं लिखा हुआ है, इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, थोड़ा सही से लिख दो अभी इसको। तो ये बच्चों हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और बच्चों हम इसको फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, थ्री को उधर कर दिया। तो बच्चों ये वही चीज आ गई जो मैंने आपको सिखाई थी, क्या सिखाई थी कि मॉड एक्स अगर लेस देन इक्वल टू ए होता है तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो एक्स लाई करता है वो माइनस ए से प्लस ए के बीच में लाई करता है, जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर एक्स की जगह क्या है, एक्स माइनस वन, तो उसका मतलब वो कहां से कहां तक लाई करेगा, माइनस थ्री से प्लस थ्री के बीच में लाई करेगा। ठीक है बच्चों, अब आप कहोगे सर ये तो क्वेश्चन हो गया, एक्स आपको निकालना है, पूरी इक्वेशन में प्लस वन कर दीजिए, पूरी इक्वेशन में प्लस वन कर दीजिए, ये देखिए, तो ये क्या हो गया माइनस टू, ये हो गया एक्स और ये हो गया फोर, तो आपकी तो डोमेन आ गई, कितनी जल्दी आ गई, माइनस टू से फोर, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन इजी था ना, कि टफ लगा बच्चों, क्वेश्चन इजी है, टफ लग रहा है क्यों भाई, बच्चों कृति बेटा तुमको समझ में आया, तो बच्चों यहां तक आप लोगों को सबको क्लियर है, मैं नाम पूछ ले रहा हूं, आकर्षण, देवांश, कृति, क्लियर है, ओके, ऋषि, श्लोक, क्लियर है, क्लियर है, ओके। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। आपके पास जो पैकेज है ना, उस पैकेज में देखिएगा आपको डोमेन रेंज के इस तरह के क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, आप उसको कर सकते हैं, बाकी पैकेज में और भी क्वेश्चन से करने के लिए आप कर सकते हैं, एनसीईआरटी लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग अब नेक्स्ट टर्न पे और भी इसके क्वेश्चंस के डाउट डिस्कस करेंगे, अगले टर्न पे क्लासेस में बने रहिएगा, आपको इससे भी टफ क्वेश्चंस करने के लिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे करेंगे। अभी हम लोग को इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स पे भी क्वेश्चंस करने हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, लॉग, ये सब फंक्शन में आता है, ये सब आप लोग अभी एक-एक करके करेंगे। तो अगली क्लास में यही सब लोग कंटिन्यू करेंगे डोमेन रेंज, और फिर वो धीरे धीरे कंटिन्यू तो होता चला जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के न्यूमेरिकल, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पे न्यूमेरिकल, फिर लॉगरिथमिक पे न्यूमेरिकल, एक एक करके आप सीखते चले जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ से क्लास
लीव आउट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अभी और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो भले पूछ सकते हैं हमसे।